हाय एवरीवन, मैं हूं धनंजय। 17 सितंबर को लेबनान और सीरिया में एक के बाद एक पेजर में धमाके होने शुरू हो जाते हैं। इसमें भी जो सबसे अधिक धमाका था वो लेबनान में देखने को मिलता है। इसके पहले कि लोग इस धमाके के बारे में कुछ समझ पाते या जान पाते, हिजबुल्ला के द्वारा एक के बाद एक जो वॉकी टॉकीज इस्तेमाल किया जाता है उसमें भी धमाका देखने को मिला। एक तो जिस तरीके से एक के बाद एक धमाके हो रहे थे और जितने बड़े पैमाने पे इस धमाके को अंजाम दिया गया, लोगों को समझ में आ गया था कि इसके पीछे इसराइल का हाथ। लेकिन जिस तरीके से और जितने बड़े पैमाने पे इस पूरे ऑपरेशन को किया गया, दुनिया भर के जो अलग अलग देशों के इंटेलिजेंस एजेंसीज है, हर कोई सकते में आ गए इसराइल का कैपेबिलिटीज देख के। आप इसराइल को सपोर्ट करें या ना करें ये आपकी मर्जी, लेकिन आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि मोसाद एक बहुत ही कैपेबल इंटेलिजेंस एजेंसी है और जिसके बारे में हम बहुत हद तक कह सकते हैं कि ये अपने दुश्मन के बारे में उससे भी अधिक जानते हैं। जहां तक बात किया जाए पेजर में धमाके के बारे में और जो रिपोर्ट अब तक पब्लिश हुए हैं उसके हिसाब से ये कहा जा रहा कि कुछ 20 ग्राम से लेकर 60 ग्राम के आसपास का जो हाईली एक्सप्लोसिव मटेरियल था उसको पेजर का जो बैटरी था उसके आसपास प्लेस किया गया था, क्योंकि पेजर का जो साइज होता है वो खुद में छोटा होता है। तो यहाँ पे जो मेंटेलिटी की बात की जा रही है वो कुछ इस तरीके से बताया जा रहा कि जो मोसाद थे उन्होंने ये इंश्योर किया था कि अगर किसी भी तरीके से पेजर में धमाका होता है तो अगर किसी की जान ना भी जाए तो कम से कम फिजिकली उसको इतना डैमेज कर देना है कि वो इंसान ऑलमोस्ट इनकेपेबल हो जाए। क्योंकि अभी भी ये स्टोरी एक डेवलपिंग स्टोरी है तो इसके बारे में अभी भी बहुत ज्यादा खुल के कोई खास इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में नहीं आया है। जहां तक बात किया जाए न्यूयॉर्क टाइम्स का या CNN का या इनके जो अपने सोर्सेस होते हैं उनके हिसाब से जिस तरीके से पेजर में ब्लास्ट हुए या वॉकी टॉकीज वगैरह में ब्लास्ट हुए इसके पीछे डेफिनेटली इसराइल का हाथ है। और जहां तक बात किया जाए पेजर के बारे में और जो उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन दिए गए उसके हिसाब से ये जानकारी मालूम पड़ा कि ताइवान की एक कंपनी है जिसका नाम गोल्ड अपोलो है वो इस पेजर को बनाता है। लेकिन जैसे जैसे ये मामला बड़ा होता है वैसे वैसे जो ताइवान की कंपनी है वो ये कहती है कि उन्होंने अपना बिजनेस या यूं कह ले कि जो पेजर बनाने का लाइसेंस है वो एक हंगरी बेस्ड कंपनी BAC को दे रखी है। लेकिन यहाँ पे अभी भी ये श्योर नहीं हो पा रहा है कि जो पेजर का इस्तेमाल किया जा रहा था लेबनान में या सीरिया में वो सच में जो हंगरी की कंपनी है उन्होंने बनाया था कि इन सारे पेजर को मोसाद या कहीं ना कहीं इसराइल के गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया था। कुछ इस तरीके से दिखता है पेजर और इसके ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन दिए होते हैं। तो उसी इन्फॉर्मेशन के मदद से जो ताइवान की कंपनी है उनसे कॉन्टैक्ट किया गया तो उन्होंने तो साफ कह दिया कि ये जो पेजर है ये उनके द्वारा नहीं बनाया गया है, लेकिन शायद ये हो सकता है कि जो हंगरी की कंपनी है BAC उन्होंने बनाया होगा। सो बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि BAC कंपनी का नाम इस्तेमाल किया गया है लेकिन जो पेजर है वो ओरिजिनली बनाया गया है या सपोर्ट किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इसराइल के द्वारा। क्योंकि जब यहाँ पे DW एक जर्मन बेस्ड न्यूज एजेंसी है जब ये पहुंचते हैं BAC के ऑफिस में तो इनको वहां पे कोई भी इम्प्लॉयज नहीं दिखते हैं और जब आसपास और भी इंक्वायरी किया जाता है तो उस इंक्वायरी में भी ये नहीं मालूम पड़ता है कि इस कंपनी में किसी भी तरीके का एक्टिविटी हो रहा था। वहीं पे अगर बात किया जाए BAC का जो वेबसाइट का तो वहां पे भी जिस तरीके से इंफॉर्मेशन दिखाया जा रहा था वेबसाइट पे उसको देख के भी कोई बहुत हद तक कह सकता है कि ये कंपनी ऑलमोस्ट नॉन ऑपरेटिव है। तो यहां से आप एक बात को समझिए कि एक किसी कंपनी का नाम इस्तेमाल करना और फिर उस कंपनी के नाम को इस्तेमाल करके पेजर्स वगैरह बनाना और जहां तक बात किया जाए हिजबुल्ला का या ऐसे कोई भी और आर्म ग्रुप या टेरर आउटफिट का, तो उनके जो लीडर्स होते हैं भले आप उसको किसी भी तरीके से देखें, गलत देखें, सही देखें, लेकिन उनके पास भी खुद के बहुत सारे इंटेलिजेंस होते हैं। लेकिन उन सभी इंटेलिजेंस को चकमा देते हुए इसराइल अपने मकसद में पूरा हो जाता है ये बताता है कि कितना ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है मोसाद अपने ऑपरेशंस को लेके। और जब हिजबुल्ला के द्वारा वॉकी टॉकीज में जब ब्लास्ट होने शुरू होते हैं यानी कि ठीक पेजर्स में ब्लास्ट होने के एक दिन के बाद, तो जो वॉकी टॉकीज इस्तेमाल किए जा रहे थे ये जापानीज कंपनी के द्वारा बनाए जाते हैं। लेकिन जब जापानीज कंपनी से कॉन्टैक्ट किया गया तो उनका साफ कहना था कि ये अब किसी भी तरीके से वॉकी टॉकीज का जो मॉडल है उस मॉडल को नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप बहुत ही कम शब्दों में समझना चाहें तो चाहे आप पेजर्स की बात कर ले चाहे आप वॉकी टॉकीज की बात कर ले, इन दोनों को जो बनाया गया था वो कहीं ना कहीं मोसाद के कहने पे या यूं कह ले कि जो गवर्नमेंट ऑफ इसराइल है वो फंड किए थे और पूरे प्रोसेस को कुछ इस तरीके से अंजाम दिया गया कि किसी को कानों खान खबर तक नहीं लगता है। चाहे हम पेजर धमाके के बारे में बात कर ले या वॉकी टॉकी धमाके के बारे में बात कर ले, एग्जैक्टली ये कह पाना मुश्किल है कि कितने लोग इंजर्ड हुए हैं, लेकिन जो एक एस्टिमेट है हम उसके हिसाब से कह सकते हैं कि कुछ 4,000 लोगों के आसपास इंजर्ड हुए हैं
और लगभग कुछ 50 के आसपास लोगों की इसमें जान गई। और न कि सिर्फ पेजर या वॉकी टॉकीज में धमाके होते हैं, बल्कि जो हम छतों पे सोलर पैनल यूज करते हैं उसमें भी धमाका देखने को मिला। और बहुत हद तक जो धमाका था वो जो घर में हम रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं वहां पे भी देखने को मिला। इनिशियल टाइम में तो लोग ये मान रहे थे कि बैटरी ओवरहीट से फट गया है, लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक पेजर में धमाके हुए और उसके बाद वॉकी टॉकीज में धमाके हुए, और वो जो धमाका का इंटेंसिटी था वो नॉर्मल एक बैटरी फटने का इंटेंसिटी नहीं था। अगेन, जैसा कि मैंने बताया कि आप इसराइल को सपोर्ट या अपोज कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी, लेकिन जितने बड़े पैमाने पे इन सारे ऑपरेशन को एग्जीक्यूट किया गया और उसके बाद जितना एक बहुत रिस्की प्रोसेस था उन सभी प्रोसेस को फुलफिल किया गया, और उसके बाद जिनसे इसराइल के रिलेशन अच्छे नहीं थे उनको नुकसान पहुंचाया गया, ये सच में अपने आप में काबिले तारीफ है। और यहां से एक चीज तो समझ में आ रहा कि कम से कम आने वाले एक महीने में मिडिल ईस्ट में जो क्राइसिस है वो घटता हुआ तो नहीं दिख रहा। इनफैक्ट अगर ऐसा कुछ अनाउंसमेंट भी हो जाता है कि ये सीज फायर हो रहा या होने वाला है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जो गुस्सा है या जो रिवेंज है वो कहीं ना कहीं दिमाग में पलता रहेगा, और इससे जितना नुकसान लेबनान को होने वाला है ऑलमोस्ट उतना ही नुकसान जो लोग रह रहे इसराइल में उनको भी होने वाला है। क्योंकि अगर आसपास कहीं पे वॉर होता है तो उसका नुकसान उस एरिया में रह रहे सभी लोगों का होता है। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप मुझे ईमेल करके बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू। टेक केयर। गुड बाय।